यो यो, जय माता दी एवरीवन। तो यार फाइनली मैं आ गया हूँ रिकॉर्डिंग करके सक्सेसफुली। सो थैंक्स टू बाबा श्याम, उनकी कृपा से सब बढ़िया हो गया। लेकिन चैलेंजेस बहुत आए हैं यार, और लाइफ में आते रहते हैं। हुआ ये सीन था कि जब मैं गया घर पे, गया मैं रिकॉर्डिंग करने था, लेकिन जाके देखा जो मेरी नीज़ है, भांजी है, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसको फिर हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। कुछ टेस्ट में टेस्ट करवाए तो ब्लड में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। तो एक दिन पूरा उसके साथ रहा। उस दिन भी मैंने ट्राई किया स्टूडियो में जाके गाने का, लेकिन आवाज़ में यू नो वो थकान थी और वो एक फोकस नहीं था, तो मुझे भगा दिया गया वहाँ से। म्यूज़िक डायरेक्टर ने, जो अपने बड़े भाई हैं पंकज जी, उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आओ, रेस्ट करके आओ। तो फिर नेक्स्ट डे रेस्ट किया, अच्छे से गया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम में कितने प्यार से मज़े से खाना खाया जा रहा है। वो बैठा मनीष भाई, और इधर है, अपना नाम बताओ भाई, सूर्यांश है अपने साथ गाइस, सूर्यांश। देख मतलब नाम में कितना वजन है यार। और उधर देखो वन एंड ओनली बाबा चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो यार अपने साथ हैं और हम सब खा रहे हैं मिल बांट के खाना, तो ये मज़ा आता है यार पीजी में, सब लोग अलग अलग जगह से और खाना खाते हैं। तो आज ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा था शरद, तो मैं शरद को की तरफ करता हूँ कैमरा, और वो बताएगा क्या है वो ज़रूरी बात। हाँ जी, कभी भी खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब पानी कब पिया जाता है, जब आप चबा के प्रॉपर वे में खाना नहीं खाते हैं तब आपको पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप खाना चबा के खाते हैं तो आपको कभी भी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, अगर आप अगर बिना चबाए हुए खाना खाते हैं और आप पानी बीच में पीते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड। Oh shit! No! It is possible! नहीं! ऐसा नहीं हो सकता! कह दो कि ये झूठ है! ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए, हमेशा चबा कर खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, पानी खाना खाने के 10 मिनट या 15 मिनट बाद पीजिए, तो आपका डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर रहेगा और आप हेल्दी रहोगे। क्या बात है दोस्तों, 2000 तालियां हो जाए। गुरुदेव जी, अब आपकी बात हम आगे से याद रखेंगे। थैंक यू सो मच शरद जी, आपने आज हमें इतनी अच्छी बात बताई। क्या बात है। तो दोस्तों देख लो, अगर आपको भी शरद से अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको सिर्फ मैसेज करना है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। शरद बाबा हैं हमारे, जो कि एमपी के बहुत ही फेमस बाबा हैं, ठीक है? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और लाइनें लगती हैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन आपको मैं वैसे दिलवा दूंगा क्योंकि अपने भाई है बड़ा, तो कोई टेंशन नहीं है। और सूर्यांश ने भी आज बाबा का आशीर्वाद लिया है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस क्या, ज्ञान लिया है नया, करते हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन, आदत सुधारेंगे। क्या बात है। मतलब देख लो दोस्तों, ये होते हैं मतलब बाबा लोग, जो दिखने में बिल्कुल साधारण है, कोई ढोंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे जवान बच्चों का भविष्य एकदम से बदल देते हैं। तो ऐसा ही होता है, ये सादगी एक्चुअली में। तो ये भक्ति की, इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है एमपी के पहाड़ों पर, शहरों के आसपास। यही नहीं, अभी और सुनिए, बीच में बैठ के उनके अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्होंने तपस्या की कई साल, तब जाके इन्होंने इतनी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया। तो खैर, अपना रखें आप ध्यान, और खाने के साथ पानी मत पिए जैसा कि बाबा ने बताया। बाबा आप कहाँ थे बाबा? तो ये था सिनेरियो। खैर अब भाई मजाक से परे, बट आप ध्यान रखें अपनी सेहत का, सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात, ठीक है? चलो सी यू बाय। कुछ कहना चाहेंगे आप? चलो, सबको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, मिलते हैं जल्दी, और बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट जो भजन है बाबा शाम का वो आने वाला है। सो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।